जो है सो है। क्या सरकार योजनाओं के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ाने का कर रही है काम? हाल ही में आए नए बजट पर जनता की नाराजगी। हाल ही में आए बजट से जनता नाखुश। 21वीं सदी में जबकि इंटरनेट जैसी सुविधाएं हैं उपलब्ध और सारा बजट इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसके बावजूद जनता बजट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जनता का कहना, बजट आम आदमी के लिए नहीं बल्कि गद्दी पर बैठे उन बड़े लोगों के लिए है। बजट में आम आदमियों के लिए भी कई सुविधाएं दर्शाई गई है, उसके बावजूद जनता का कहना कि सुविधा सिर्फ कागजों पर है। कई सुविधाओं के बावजूद सरकार नहीं बना पाई जनता पर अपना विश्वास। कल बजट पारित हुआ है 2041 लाख करोड़ का। आइए बात करते हैं आम जनता से, हमारे इंदौर की जनता से, कि उनका क्या कहना है। उन लोगों के बारे में तो कुछ सोचते नहीं है गवर्नमेंट। ये जो बजट है, एक तो आम जनता को बजट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि क्या चीज़ सस्ती हुई है, क्या महंगी हुई है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बजट इस तरह से पेश किया जाता है जिसमें सिर्फ अमीरों को ही फायदा होता है, हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट से कि कोई अच्छा बजट लेके आए जो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए अच्छा हो। वहाँ सारे छोटे व्यापारी बैठे हुए हैं, वो कोई बिजनेस ही नहीं होता है। ये हालत है कि उनके दुकान किराया, मकान किराया, खर्चों की फीस कुछ भी नहीं निकल पा रही है, यानी बिजनेस ही नहीं हो गया, ख़त्म ही हो गया। क्या बजट हो, उससे आदमी को सुख होगा, क्या खुशी होगी, क्या दुख होगा, ये तो वही जानती है, क्योंकि हर आदमी परेशान है। बिजनेस ही नहीं है ना दीदी। अब आदमी 10,000 का धंधा करता था, वहाँ 1,000 रुपये का धंधा नहीं होता, इसका क्या कारण है? सरकार इसके लिए कभी नहीं सोचती। और लोन भी देती तो बड़े बड़ों को देती है, कभी छोटे मोटे दुकानदार धक्के खाया करते हैं, मगर लोन मिलता ही नहीं। आयुष्मान कार्ड बना, आयुष्मान कार्ड में आदमी जाता है अस्पताल में, धक्के ही खाते रहता है, इसका इलाज ही नहीं हो पाता है, निकलने का नाम आयुष्मान कार्ड। आज भी रैली निकाली, क्या मकसद निकला? जनता को बेवकूफ़ बनाना, और कुछ नहीं आता नेताओं को। इसके अलावा कुछ अच्छे काम करें तो जनता आपको दूसरी बार चुने। अब तो हर आदमी तंग है कि अब नेतागिरी से नफरत ही हो गई कि भैया वोट देना ही गुना है। सरकार को सिर्फ बजट के समय ही, चुनाव के समय ही आम जनता याद आती है, बजट के समय आम जनता को भूल जाती है गवर्नमेंट, बिल्कुल भूल जाती है। आप, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को कोई संदेश देना चाहेंगे? सरकार को ये संदेश देना चाहेंगे कि पेट्रोल डीजल के भाव, गैस के भाव बढ़ गए, अब आदमी, आम आदमी कहाँ से लाएगा? जो आदमी 400-500 रोज कमाता है, 500 महंगाई में चला जाता है ना, सब चीज़ महंगी है, क्या करेगा? पेट्रोल का बढ़ गया। आज आम आदमी जो सोचता है कभी मैं बाइक लूँगा या कभी फोर व्हीलर लूँगा तो ले तो लेगा, मगर वो जानता कि इसमें पेट्रोल कहाँ से लाऊँगा, चलाऊँगा कहाँ से, इससे मकसद क्या है? मकसद उसका यही है कि गरीबी दूर हो, और कैसे होगी? मेरा बिजनेस चलेगा तो गरीबी दूर होगी, बिजनेस तो चलता ही नहीं है, नहीं के बराबर बिजनेस हो गया। आम जनता ये चाहती है कि सरकार जब भी बजट पेश करे तो एक गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बजट, ना कि कोई अमीरों के लिए, जो बड़े बड़े अमीर होते हैं, जो बड़े बड़े बैंकों से बड़ा बड़ा धन लेके चले जाते हैं, और उस धन के अभाव में सरकार आम जनता के लिए कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि फिर ये बताती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हम क्या गरीबों के लिए क्या योजनाएँ लेके आएंगे, क्या उनके लिए किरवान, ये कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बस बड़े लोगों का ध्यान, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अभी देखिए, आप मतलब आपके मुताबिक, जनता के मुताबिक बजट सिर्फ अमीरों के लिए है। पेट्रोल के भाव तो ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इसके कम होना चाहिए। डीजल के ही भाव बढ़ गए हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। तेल देखो 130 रुपये से 135 रुपये हो गया, सोमवार को 27, रोज 1 रुपया बढ़ रही है तेल का भाव। इनको तो कम होना चाहिए, गरीबों की परेशानी आ रही है। कल जो बजट पारित हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसानों के लिए जो बजट पारित हुआ है इसके लिए 4,000 उन्होंने बढ़ा दिए है, ये मान रहा हूँ मैं। पर मैं जो अभी तक जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो अभी तक घटाए नहीं गए, इससे काफ़ी जो आप देख रहे हैं जनसंख्या बेरोजगारी का भी बढ़ चुकी है। और जो मैं आप जो नया मैं सोच रहा हूँ कि जो पेट्रोल के दाम, उसको पेट्रोल के दाम पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किसानों के लिए उन्होंने सही किया, वो मना नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। पर मैम जो स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट की मैम कॉलेज की फ़ीस उन्होंने कम से कम बढ़ा दी है हर कॉलेज ने, अभी जो बजट पारित होने के बाद अभी हर कॉलेज की फ़ीस बढ़ गई है। आप देखेंगे मैम कभी ये इंदौर विश्वविद्यालय में, अभी आप MCOM, BCOM, MBA सभी की फ़ीस देखेंगे, इन्होंने कम से कम इन्होंने 2,000 की फ़ीस के लिए बढ़ोतरी कर दी है। तो मैम आप किसानों पर ध्यान दे रहे, पर स्टूडेंट जो स्टूडेंट सब जो युवक है उन पर तो मैम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैम अभी आने वाला भविष्य से भी नव युवक पे ही है। आप किसानों के लिए आप कर रहे हो, मैं आप समझ रहा हूँ।
और बजट पारित करा मैम इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अब चला रहे हैं, जैसे ये बाहर का जो चल रही है इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। अभी मैम अभी जो देखा जाए ना तो डीजल और पेट्रोल की गाड़ी से वैसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। इन दो में स्वच्छ अभियान को इसको पहला पुरस्कार मिला है, पर इसके बाद मैम अभी जैसे डीजल पेट्रोल वाली बढ़ती जा रही है तो अब मैम इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का ये यहाँ पे करना चाहिए काम करना चाहिए। और मैम बजट में इन्होंने जो पेश किया है मैम किसानों को लेकर ये पेश करें, पर इनको सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी मैम, बेरोजगारी पे इनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि अपनी जनसंख्या मैम 1 अरब के ऊपर है और मैम इसका 1/4 हिस्सा सिर्फ अमेरिका में 4 लाख है और उनके एक भी लोग बेरोजगार नहीं है। अपने यहाँ मैम 70% लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी है। जैसे मैम बड़े बड़े उद्योगपति उनकी कोई दिक्कत नहीं, अभी मिलें बंद हो गई है मैम, काफ़ी कंस्ट्रक्शन काम काफ़ी बंद हो गए, अभी सभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। पड़ा नहीं है टैक्स, जितने भी टैक्स थे वहीं के वहीं रखे हुए हैं, इसका आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैम टैक्सेशन वहीं क्यों रखे हैं, पर चीज़ों के दाम लोगों ने जो रिटेल लोग हैं उन्होंने बढ़ा दिए। आप आगे से आपने नहीं बढ़ाया, आप उसके बाद नहीं, पर जो लोग रिटेल है मैम उन्होंने जो खोया है 6 महीने में 8 महीने में जो खोया है ना वो लोग जनता से वसूल कर रहे हैं। अब सरकार ऊपर से आप ऊपर से मान लीजिए आपने मैम 100 करोड़ रुपये भेजे, पर नीचे आते आते 10 करोड़ हो रहे हो मैम, वो नहीं आप बोल सकते ना, आप उसका नहीं बोल सकते। आप जो नीचे लोग खा रहे हैं जो बढ़ा रहे हैं आप उस पर मेन ध्यान देना पड़ेगा। आपने किसानों को ऊपर ध्यान दे दिया, ये मान लीजिए किसान आत्महत्या कर रहे थे, किसान ये रोजगार, आप उनको 10,000 भत्ता दे रहे हैं, ये सब मान लिए, पर मैम बेरोजगारी और स्टूडेंट के ऊपर जो ध्यान देंगे ना मैम तो ये अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा बिगड़ने का कारण है। ये सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं और अपने अपने रोजी रोटी सेक रहे हैं। ये जनता को कुछ भी नहीं मिला, जो 450 रुपये की गैस की टंकी थी उस टाइम पे 250 रुपये सब्सिडी मिलती थी, आज 1,000 रुपये की 841 रुपये की सब्सिडी गैस की टंकी है और 21 रुपये सब्सिडी मिलती है। तो जनता को बेवकूफ़ बना के गुमराह बना के और बेवकूफ़ बना रहे। पेट्रोल पे जितनी सब्सिडी मतलब इन्होंने लगाई है, मतलब 820% जो ड्यूटी लगा रखी है उससे पेट्रोल महंगा मिल रहा है। और जब कांग्रेस के राज में भी बिल आए तब इन्होंने अपत्या करी है कि नहीं जी। तो अब ये काय को बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब काय को हवा बना रहे हैं कि मोदी जी ने कर दिया ना कांग्रेस ने। लेकिन इन सब के बावजूद पायलट परिवहन योजना स्टार्ट कर दी। पायलट कुछ भी नहीं होता उससे, केवल बेवकूफ बनाने का, घर से ले जाएंगे और पैसे ले लेंगे जनता से और जनता को बेवकूफ बना रहे। और जो किसानों के लिए 4,000 क्या दिया किसान को, किसानों के लिए 4,000 रुपये और बढ़ा दिया, तो उसको केवल वो केवल कागजों में बढ़े, हाथ में कुछ भी नहीं आना। जब मतलब वो दिए ना तो सब्सिडी मिली उनको 200-250 रुपये मुआवजा मिला और प्याज के पैसे आज तक मतलब किसान रो रहे हैं। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? सरकार जो चल रही है बढ़िया चलने दो, उनको खान दो आराम से। देखिए आम बजट तो खैर आम आदमी के लिए तो है ही नहीं, ये उन लोगों के लिए जो ना समझ टाइप के लोग हैं उनके लिए, जिनको को लेना देना रहता नहीं। आपको तो ज्वलन समस्या पे प्रश्न करना चाहिए कि आज जो महंगाई बढ़ रही है, जितनी 3 गुना 4 गुनी जो महंगाई हो गई है उसके विषय में आप प्रश्न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आम आदमी उसके लिए बोलेगा, आज आदमी को घर चलाना कितनी परेशानी है, ये आदमी धंधा लेकर बैठा हुआ छोटा सा आदमी, ये तो चलो ठीक है तो थोड़ा सा स्लिप दिए तो चला लेंगे, लेकिन जो ठेले वाले जो रोज़ बेचारे फुटपाथ पे बैठ करके धंधा कर रहे हैं उनका तो चौपट हो गए, उनका धंधे चौपट हो गए, इसलिए वो ना तो कमा सकते ना खा सकते, वो वाली स्थिति। बाकी रहा सवाल, मोदी साहब तो बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, है ना, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा आदमी, जो आदमी कमा के खा रहा और कैसा आत्मनिर्भर बनेगा? चाय की दुकान पे काम करने वाला आत्मनिर्भर है, एक बेरोजगार आदमी एक आत्मनिर्भर है, पकौड़ा खा बना कर, है ना, आत्मनिर्भर है, वो कमाई कर रहा तो वहीं से आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर का मायने क्या है इसके, समझ में तो आए इनके क्या बताना चाहते हैं ये, है ना। दूसरी बात कि ये रहा सवाल कि ये सरकार और कार तो ठीक है ना, लोगों के विषय में सोचे, कृषि का जो एग्रीकल्चर फंड जो उन्होंने दिया है 4,000 करोड़ जो भी कुछ दिया है, अरे अब मर रहे हैं किसान लोग वहाँ पे दिल्ली के, उनके लिए तो पहले सूद ले लो उनके, तो है ना, उसके बाद में अपन एग्रीकल्चर की बात करें, है कि नहीं। तो मेरे को तो नहीं समझ में आता है कि ये कुछ करेंगे और कोई आम आदमी का उद्धार कर पाएंगे। आदमी क्या, गरीब आदमी मरे जा रही है, उनको रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, सारी चीज़ें उनके चौपट हो गई। बिजनेस के लिए इनके पास में कुछ जो 10,000 जो इनको जो देना था वो बैंकों में धक्के खा रहे रोज आए दिन, है ना, उनको भगा दिया जा रहा है, बैंक मैनेजर उनसे पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं। अरे तुम्हारे पास में यदि सरकार ने दे आदेश के तो दो ना तुम, है उनको 10,000 जो तुम उनको मनी देना चाह रहे हो, जो भी उनको स्टाइफंड जो भी इनका काटना चाह रहे हो काट के, बाकी तो दो उनको पैसा दो ना, है ना। तो मेरा तो कुल मिला करके इतना है मैडम कि ये खैर सरकार तो खैर किसी क्या सोच भी नहीं रही, ये खुद नीतियाँ भी गलत है और खुद का अपना खुद का सोचते हैं। आप ये बताओ कि आत्मनिर्भर के लिए इतनी इतनी बातें करी है, ये कहाँ से आत्मनिर्भर है, ये कमा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये है ना, ये मतलब ये किस तरह से ये आत्मनिर्भर लोग है क्या, है ना, जनता का पैसा का टैक्स का पैसा ये लोग जब मतलब जब से नेतागिरी का चोला पहना तब से खा रहे हैं लोग, तो ये आत्मनिर्भर है, सबसे पहले तो इनको आत्मनिर्भर होना चाहिए, है ना।
उसके बाद में फिर सारी चीजें तो खैर पब्लिक देख ही रही। तो हमने बात की आम जनता से कल आए हुए बजट के बारे में। जनता के मुताबिक पहली बात तो जनता इस बजट के बारे में बात करना ही नहीं चाहती है। उनका कहना है कि बजट हमारे लिए है ही नहीं, बजट तो उन बड़े लोगों के लिए है जो गद्दी पर बैठे हैं। इसी तरह देखते रहिए KNN News का खास प्रोग्राम जो है सो है, मेरे यानी कि काजल वर्मा के साथ।